आज की जो रेसिपी है हमारी वो सलाद की है और बहुत ही टेस्टी सलाद मैं आज बनाने वाली हूँ आपके लिए, जिसे आप सुबह में ऐसे नाश्ते के जैसे भी आप बना के उसे खा सकते हो। जिसके लिए मैंने एक बड़ा खीरा लेके काट लिया है और साथ में लिया है दो प्याज मीडियम साइज़ की, और यहाँ पे मैंने दो टमाटर भी लिया है। मतलब बराबर क्वांटिटी ही है हमारी, एक तरह से ज़्यादा कम नहीं है क्योंकि खीरा बड़ा होता है। और इन तीनों को मैंने काट के डाल लिया अपने बाउल में। यहाँ पे जीरा पाउडर मैंने डाला है साथ में, और अब मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है हमारे सलाद में, क्योंकि काला नमक थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ स्वादानुसार। और अब यहाँ पे मुझे डालना है सादा नमक स्वादानुसार। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आप अपने स्वाद के हिसाब से ही लीजिएगा जितना आप तीखा पसंद करते हो। साथ में यहाँ पे हरी मिर्ची मैंने डाली है, दो हरी मिर्च मैंने ले लिया था, और नींबू का रस जो हमारे सलाद में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब मैं इसमें डालूँगी धनिया की पत्ती, तो ये मैंने काट के रख लिया था धनिया की पत्ती, मैंने इसे भी ऐड कर दिया है। और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है जिससे मसाले नमक इसमें अच्छे से मिल जाए। जितने ही अच्छे से ये मिक्स होगा उतना ही अच्छे से इसका स्वाद आने वाला है। तो एक बार खूब अच्छे से इसे मिक्स कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा होता है खाने के पहले भी। आप बहुत से लोग इसे खाते हैं, जैसे वेट लॉस करना है तो आप खा सकते हैं इसे, और अगर आप ऐसे भी खाना चाहते हैं खाने के साथ तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने डाल लिया है गार्निशिंग के लिए दही, अपनी फ्रेश दही है ये, और ये हमारा बन के तैयार हो गया है सलाद। अगर आपको हमारे सलाद की रेसिपी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।